हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम आकाश कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ अपने स्टूडेंट को स्विफ्ट कार पे बेसमेंट से कैसे कार निकालना होता है। अभी कल मैडम निकाल रही थी कार और उनकी साइड टकरा गई थी पिलर में, क्योंकि क्या होता है बेसमेंट में कई ऐसे सारे प्लस होते हैं, कई कारें होती हैं, कई पार्किंगें होती हैं, वहां से मुझे कार निकालना होता है। ठीक है, तो वहां पे हमें राइट लेफ्ट पीछे और सामने का मुझे कैसे ध्यान देना होता है, मुझे कैसे वहां से कार निकालना होगा। दोस्तों, आप सब इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में बताऊँगा आप सभी को कि हमें बेसमेंट से कि हमें कैसे कार को निकालना होगा, कैसे हमें राइट कैसे हमें लेफ्ट साइड का कैसे आइडिया लेना चाहिए, और हमें कैसे फर्स्ट गियर पे हमें पार्किंग में कार को लगाना होगा ताकि आगे जो कार खड़ी है उसमें टकराए ना। तो वहां पे पार्किंग में लगाते वक्त हमारा राइट पैर ब्रेक पे होना चाहिए या उस समय एक्सेलेटर पे होना चाहिए, वहां पे मुझे ब्रेक लेना होना चाहिए या मुझे एक्सेलेटर लेना होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट वाला तो पैर आप सभी को भी पता है कि मेरा पैर जो होता है लेफ्ट वाला वो क्लच पे कंटिन्यू रखा रहता है, बट मैं राइट पैर बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा राइट और लेफ्ट साइड का आइडिया कैसे लेंगे और मुझे कैसे कार को वहां पे बेसमेंट से चढ़ाई से ऊपर निकालना है, चढ़ाई से नीचे कैसे लेके आना है, मुझे बेसमेंट से कार कैसे चलानी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सब लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखें और चीजों को समझें। तो आइए दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ स्विफ्ट कार पे अपने नए स्टूडेंट के साथ में कि कैसे मुझे कार को चलाना है और कैसे मुझे बेसमेंट पार्किंग से निकालना है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम मैम आपका? जूही। जूही जी, आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? गुड। आज आपका कौन सा डे ड्राइविंग सीखते हुए हो गया मेरे साथ में? गुड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सेवेंथ और एट डे में क्या क्या मैंने आपको सिखा दिया है? अभी मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है। अभी पार्किंग में सीखिंग है, मैंने फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर पे चलाई है। गुड, तो आपने मेरी कौन सी कार चलाई थी? ऑल्टो चलाई थी। गुड, अभी आप कौन से कार चला रहे हो? ये है स्विफ्ट। गुड, ठीक है। मेरी कार आपने कितने दिन लगभग चलाया? 6-7 दिन। गुड, अब आप अपनी कार चला रहे हो जी। आपने कभी अपनी कार चलाया था या कभी आप ड्राइविंग सीट पे कभी बैठा? नहीं। गुड, ठीक है। तो अभी आपको मैंने ऐसी क्या चीज 7 डेज में नहीं सिखाई है? मोस्टली सिखा दिया, अभी बैक और पार्किंग की मुझे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप अपने घर की स्विफ्ट कार चला रहे हो, मारुति की स्विफ्ट VXI कार है ना? गुड। अभी जैसे कि आपने कल भी मेरे साथ में करीबन आधे घंटे 20 मिनट चलाया मेरे साथ में, तो आपने कल जैसे चलाया अपनी कार स्विफ्ट, तो आपको क्या लगा, क्या फील हुआ मेरी कार में, इस कार में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है? इसका क्लच ब्रेक वगैरह थोड़ा अलग है, जिसका मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो उस पे मुझे प्रैक्टिस चाहिए अपने पैर की और प्रेशर वगैरह की, कैसे उसको हैंडल करना। गुड। एक्चुअली मैम, जब आपने मेरी कार चलाई है अल्टो, उसका इंजन 800 सीसी का होता है, ये कार आप चला रहे हो इसका इंजन जो होता है वो 1200 सीसी का होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा पावर ज़्यादा होता है, मतलब कि 800 और 1200, मतलब कि 400 सीसी का इंजन का पावर थोड़ा सा ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट मैम थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ ही जाएगी, आपकी पावर बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आज आप अपनी कार स्विफ्ट पे अभी प्रैक्टिस करने जा रहे हो रिवर्स पार्किंग हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आपको अभी स्टार्ट करना है। सबसे पहले कार में आप बैठते हो तो क्या करते हो आप? सबसे पहले गट सीट बेल्ट आपने लगा ली है, गट मतलब कि आपको राइट लेफ्ट बैक मिरर का यूज करने के लिए आपको मिरर एडजस्ट करना होता है, सीट एडजस्ट करना होता है, सीट बेल्ट एडजस्ट करना, उसके बाद आप चला कर गए और जो भी आपको जहाँ भी जाना होता आप जा सकते हो, कार को आराम से चला सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी आप मेरे साथ में ड्राइविंग सीख रहे हो, आपके आज मैं वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूँगा, तो उसमें जैसे कि लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं मैम, मेरे दर्शक फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स, उनसे आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छे से सिखाते हो, ध्यान से सिखाते हो, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको ईजिली बताते हो और आप कॉन्फिडेंस दिलाते हो, क्योंकि ऐसे बाकी लोग कॉन्फिडेंस नहीं दिलाते हैं कि गाड़ी आप चला लोगे, आपके साथ ऐसे डर नहीं लगता है कि सीख नहीं पाएंगे या कुछ, अभी लगता है कि सीख जाएंगे और गाड़ी चलाने लगेंगे। गुड, ठीक है।
तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजन को, ठीक है। तो आपको एक काम तो करना होगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं उनको बताना भी होगा, आपको चलाते वक्त बताना भी होगा कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या आपको नहीं समझ में आया, क्या आपको समझ में आ गया और आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ कैसे यूज कर रहे हो, वो आपको बताना भी होगा मैम, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन करो, क्लच दबाएंगे, ठीक है, स्टार्ट करो, अभी हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे है, हाँ, गाड़ी ऑन कर ली, हमारा ये फ्री हो गया, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग क्लच गियर लगाते हैं तो क्लच दबा के ही लगाते हैं, गुड। चलो ठीक है, फर्स्ट गियर लगा लो। तो पहले तो हमें सीधे जाना है, जो ब्लू कलर की कार खड़ी है इको स्पोर्ट, उसके बगल में पार्किंग का रास्ता खाली है, वहाँ पे खड़ी करेंगे कार, ठीक है। चलो जाओ, कैसे जाओगे, कैसे आप खड़ी करोगे, गुड, ठीक है, जाइए हल्का हल्का, कोई बात नहीं, सीखते वक्त चार गलतियां हो सकती हैं आपसे, गट, हाँ ठीक, हल्का सा राइड रखना, हल्का सा गट, वहाँ पे खड़ी करना होगा आपको, गट गट, बस अब फिर से आपको रिवर्स गियर लगाना है, और रिवर्स गियर लगा करके आपने जैसे रिवर्स गियर लगा लिया, ठीक है, तो हमें पहले तो पीछे ले जाना है मैम, फिर उसके बाद हमें कार ले जाना है लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट में हमें लेके जाना है, तो हमें पीछे का हिस्सा रिवर्स में राइट करना होगा, मतलब कि आपके राइट, आप अपने राइट ले जाओगे पीछे का हिस्सा, पहले थोड़ा सा पीछे करके फिर हम लोग स्टेयरिंग को पूरा राइट टर्न करेंगे, मतलब कि आप करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हो आप, पहले पीछे जाओ हल्का सा, मैं चीज़ों को एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप पहले पीछे जाओ हल्का सा, जब आपकी इस पिलर के बगल से आधी कार निकल जाए, आधी कार, बस अब पूरा स्टेयरिंग, लेकिन आपको, हाँ एक चीज़ और है, आपको अपने लेफ्ट साइड में देखना होगा कि ये एक कार भी खड़ी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा और पीछे जाओ भी आप, जैसे स्टेयरिंग है सीधा स्टेयरिंग, थोड़ा सा और पीछे जाओ, सीधा है, आप अगर भूल सकते हो तो आपको मैंने बताया था कैसे आप, हाँ गुड, ठीक है, अब पूरा स्टेयरिंग राइट घुमा दो मैम, बस पूरा स्टेयरिंग राइट घुमा दो, पूरा घुमा दो दौड़ के, गुड, गुड। अब फिर से फर्स्ट गियर लगाओगे, बस आपको ये चीज ध्यान होता, चाहे जो कार चलाओगे आप, छोटी बड़ी कोई सी भी कार होगी, नई पुरानी कोई सी भी कार होगी, जब भी आपको फर्स्ट गियर में क्लच छोड़ना होगा बहुत ही धीरे से छोड़ना होता है, अगर आप हल्का से भी आपने स्पीड में झटके से छोड़ा तो बहुत तेज़ी से भागेगी, फिर वो रुकने वाली कार नहीं है। चलो हल्का सा लेफ्ट टर्न करो, अभी आपने लेफ्ट नहीं टर्न किया, आप कार आपका सीधा हुआ था, हाँ और टर्न करो हल्का सा, गुड, अब छोड़ो हल्का का क्लच, हाँ अब छोड़ो, पहले जाने तो जब कार आपकी सीधी हो जाएगी रास्ते पे, तो आपको धीरे धीरे स्टेयरिंग सीधा करना है, अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ हाँ और जाओ, और जाओ हल्का लेफ्ट करो हल्का सा, और जाओ हल्का सा, अब सीधा करना है, ज़्यादा रहो सीधा स्ट्रेट, हाँ जाओ, बस फिर से खड़ी करो, गुड। अब आपको अपनी पार्किंग में लगाना है, ये ब्रियो खड़ी है, ब्रियो के बगल में आपको लगाना है, ठीक है। तो पहले तो आप रिवर्स गियर लगा लो, आप नहीं लगा, लग गया है ना, थोड़ा सा आपको पीछे जाना है, फिर स्टेयरिंग को पूरा लेफ्ट टर्न कर देंगे, जब लेफ्ट टर्न कर देंगे तो आगे का हिस्सा जो है वो राइट आएगा आपका। चलो पहले पीछे जाओ थोड़ा सा, बस रोको रोको, अब पूरा स्टेयरिंग लेफ्ट टर्न कर दो मैम, चलो छोड़ो हल्का का क्लच, हाँ जाने दो, हाँ दोनों साइडों में देखना है आपको, बस रोको रोको, गुड। अब फर्स्ट गियर लगाइए, नहीं लगा, हल्का और राइट टर्न करो, बस अब थोड़ा सा आपको पहले ऐसे, अभी सीधा है टायर, बिल्कुल सीधा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है, फिर राइट टर्न करना होगा, अभी नहीं, अभी नहीं, अब टर्न करो, बस पूरा क्लच दबा दो, क्लच दबाओ, क्लच 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 दबाओ, ब्रेक लगाओ, रोको बता रहा हूँ मैं, हाँ क्लच दबा के देखो, आप इधर देखो लेफ्ट साइड में देखो कितनी जगह आपके पास में बची हुई मैम, टकरा जाती है ना मैम, कोई बात नहीं, सीधा करो स्टीयरिंग को, और सीधा करो, अभी सीधा नहीं हुआ, और बस फर्स्ट गियर लगाना,
दो कदम के लिए आप आगे जाओ पहले सीधे, हाँ पहले सीधा जाओ, अभी टर्न मत करना, बस रोको, अब राइट टर्न करो हल्का सा, अब बस अब हल्का सा फिर से आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाना, बस अब सीधा करो टायर, बस हो गया। अब फिर से रिवर्स गियर लगाऊं, लग गया ना रिवर्स गियर पक्का, अब हल्का सा लेफ्ट टर्न करो मेरी साइड स्टीयरिंग को, और बस बस छोड़ो हल्का का क्लच, छोड़ो थोड़ा सा जाना, थोड़ा दो कदम जाना, क्यों सीट मैम लाइट जल जाएगी, मैम पूरा क्लियर नहीं लगा था ना, गियर फंसा हुआ था, अब लगा हुआ है, ठीक है, तभी मैंने आपसे पूछा था कि लगा है, चलो छोड़ो हल्का का क्लच, अब लग गया पक्का, डन गुड, और जाओ बस खड़ी करो, बस बस ब्रेक लगा लिया करो, गुड, अब सीधा करो टायर, अब फिर से थोड़ा सा फर्स्ट लगा के आपको हल्का सा आगे बढ़ाना है, गियर जब पूरा क्लच दबा होता है तभी बढ़िया गियर लगेगा, चलो बस अब गियर न्यूट्रल कर दो, ये कार आपकी खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा गुड, बहुत अच्छे से आपने कार खड़ी किया है, गुड, अब चलो फिर से आपको चलना है, स्टार्ट करो इंजन,